सामने आ रही है कि आज ही शपथ लेंगे हेमंत सोरेन। बहुत बड़ी खबर, देखिए आज ही शपथ लेंगे हेमंत सोरेन, ये खबर सामने आ रही है। सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि 2 घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, झारखंड की राजनीति से जुड़ी ये खबर। आज ही शपथ ग्रहण करने वाले हैं हेमंत सोरेन। तो बता दें आपको कि 2 घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, ये जानकारी, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं कि आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। तो चंपाई सोरेन के इस्तीफा देने के बाद देखिए खबर सामने आ रही थी कि 7 तारीख को हेमंत सोरेन ले सकते हैं और शपथ ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी ये खबर सामने आ रही है कि आज ही शपथ लेंगे हेमंत सोरेन और 2 घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। लेकिन इसके पीछे आपको बताते चलें, कई दिनों से खबर सामने आ रही थी कि पहले 5 तारीख को हो सकता है कि लेंगे शपथ ग्रहण करने वाले हैं, फिर आया 7 को शपथ ग्रहण करेंगे और अब ये सामने आ रही है कि 2 घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। तो झारखंड की राजनीति से ही जुड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि हेमंत सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री से अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। झारखंड की सियासत में, झारखंड की राजनीति में बदलाव होने जा रहा है। हेमंत सोरेन एक बार फिर से यहां पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो खबर यह है कि 2 घंटे के बाद ही शपथ ग्रहण होगा। बता दें आपको कि आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। कहा जा रहा था 7 तारीख को हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे, लेकिन खबर यह है कि आज ही शपथ ग्रहण करने वाले हैं। बता दें आपको कि राजभवन से उनको न्योता मिला सरकार बनाने का और अब आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। तो आपको बताते चलें कि उनको नंबर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त तो उनके पास सभी जो नंबर्स चाहिए वो है। तो फ्लोर टेस्ट में भी बड़े ही आसानी से पास हो जाएंगे। और देखिए आज शाम 5 बजे इनका शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन शाम के 5 बजे शपथ ग्रहण करेंगे और एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन। बता दें आपको ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है झारखंड की राजनीति में, पल पल में। अब बता दें आपको कि खबर सामने आ रही है कि आज ही हेमंत सोरेन शपथ लेने वाले हैं और आज ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे हेमंत सोरेन। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चंपाई सोरेन कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे जब तक हेमंत सोरेन जेल में बंद थे, और जैसे ही वो जमानत पर बाहर आए अब उसके बाद फिर से वो सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज 18 संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, क्या अपडेट है कि आज ही शपथ लेंगे हेमंत सोरेन? आज ही शपथ लेंगे, और अब से कुछ देर पहले तक इसी हेमंत सोरेन के आवास पर आपने सुना होगा कि 2 बड़े नेता निकले थे। जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि शपथ ग्रहण के लिए 7 जुलाई निर्धारित किया गया है। पहले हाफ में यह शपथ ग्रहण होगा, एक साथ सभी लोग शपथ लेंगे। लेकिन अब जो अपडेट आ रहा है उसके मुताबिक 5 बजे, आज ही शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होना है। ये एक बड़ा अपडेट है। ये कैसे बदल गया, कैसे इसमें तब्दीलियां हुई, ये बाद में बातें सामने आएंगी। लेकिन जो अब अपडेट है उसके मुताबिक 5 बजे शाम को शपथ ग्रहण होना है, और जो हमारे सूत्र हैं, जो अंदर नेता बैठे हैं, उन्होंने भी हामी भरी है कि हाँ 2 घंटे बाद ही 5 बजे के करीब ये शपथ ग्रहण होगा राजभवन में। तो आप समझ सकते हैं कि जो समय यहाँ से लिया गया, सुबह में हेमंत सोरेन गए थे, कल्पना सोरेन गई थी, इसके साथ साथ सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, राजेश ठाकुर गए थे। वहाँ सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को दिया था, उसके बाद यहाँ से इनको बताया गया था राजभवन को कि 7 तारीख को वो लेना चाहते हैं। यही हमेशा परिपाटी रही है कि जो शपथ ग्रहण लेता है वो अपनी इच्छा जाहिर करता है, और यहाँ से बताया गया कि उस पर हामी भी हो गई है। लेकिन अभी अभी जो सूचना आई है उसके मुताबिक इसमें बदलाव है, बड़ा बदलाव है, और 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो अब जो अपडेट है, मतलब हेमंत सोरेन, ठीक है, विनाश लौटूंगी आपके पास। दिवाकर तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, झारखंड ब्यूरो चीफ। दिवाकर जी, जरा ये बताइए कि खबर सामने आ रही है कि आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन, तो आखिर ये बड़ा बदलाव कैसे हुआ, इसके पीछे क्या वजह है, कुछ जानकारी इससे जुड़ी? देखिए, कल जब घटनाक्रम में तेजी थी और जब हम आपसे जुड़े थे तो हम लगातार ये कह रहे थे कि हेमंत सोरेन चाहते हैं कि कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण समारोह हो। और कल मैंने ये भी कहा था कि अगर कल शपथ ग्रहण समारोह नहीं होता है तो बृहस्पतिवार को हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह, क्योंकि जो हेमंत सोरेन के करीबी सूत्र हैं
उन्होंने जानकारी दी थी कि आज ही जो है शपथ ग्रहण हो जाएगा कुछ घंटों बाद। अगर आज नहीं होता है तो बृहस्पतिवार मतलब बुधवार को ही शपथ ग्रहण चाहते थे हेमंत सोरेन, और अगर वैसी स्थिति नहीं बनती है तो वो राज्यपाल से चाहते थे कि बृहस्पतिवार यानी कि आज जो है शपथ ग्रहण हो जाना चाहिए। लेकिन जो उनके नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने मीडिया को इन्फॉर्म किया कि 7 जुलाई को जो है शपथ ग्रहण समारोह है, और हमारे जो वरिष्ठ संवाददाता हैं जो लगातार जो है सरकार के मामलों को देखते हैं, जेएमएम को देखते हैं, उन्होंने अभी अभी थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी है कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो है मीडिया को ये बताया था कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन देखिए कि अब ये खबर आ रही है कि 2 घंटे बाद ही शपथ ग्रहण होगा, तो अब जेएमएम के नेताओं ने मीडिया को क्यों 7 जुलाई का ब्रीफ किया और अब जो है कुछ ही घंटों में शपथ ग्रहण समारोह क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे जो कारण है वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो खबर है वो है कि 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा, और ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में होगा, बिरसा मंडप में लगातार ये शपथ ग्रहण समारोह होता आ रहा है, तो आज जो है कुछ ही घंटों में हो जाएगा। और अब देखने वाली बात है कि आखिर जो है हेमंत सोरेन ने जब पहले ये मन मिजाज बनाया था कि उन्हें बुधवार को ही शपथ ग्रहण कराया जाए, राज्यपाल उन्हें बुधवार को ही कुछ ही घंटों में बुलाए, अगर बुधवार को नहीं बुलाते बृहस्पतिवार को बुलाए, लेकिन फिर बाद में जो है जेएमएम के नेताओं ने मीडिया को जानकारी दी कि 7 जुलाई को हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, तीसरी बार शपथ लेंगे। और अब जो है वो तेजी से घटनाक्रम बदले हैं, लगातार नेता उनसे मुलाकात कर रहे थे और मुलाकात करने के बाद ये खबर आई है। लेकिन दिवाकर जी, ऐसा क्यों हुआ, ये कम्युनिकेशन गैप क्यों, जबकि उनके ही पार्टी के नेता बता रहे हैं कि 7 को होगा, फिर अचानक से खबर आती है कि आज ही होगा, वो भी 2 घंटे के बाद। जी बिल्कुल, ये समझने वाली बात है कि इस तरह का कम्युनिकेशन गैप क्यों है, क्योंकि देखिए बैठकें होती रही तो कल भी कई कम्युनिकेशन गैप हुए। चंपई सोरेन जो है हेमंत सोरेन के आवास पर थे, वहां बैठक हुई, फिर चंपई सोरेन अपने आवास पे निकले और उनको जाना था, उनके साथ राजभवन जाना था, लेकिन राजभवन साथ नहीं गए। तो अब ये जो कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, अंदर खाने कहीं कोई नाराजगी है या कोई किसी बात की आशंका है कि जो है डेडलाइन तय किए जा रहे हैं, फिर उसको उसमें जो है तब्दीली हो रही है, तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है। दिवाकर जी, ये मंत्रिमंडल को लेकर के किसी प्रकार की जानकारी, क्या इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है? देखिए पहले तो ये खबर आ रही थी कि 7 जुलाई को जब हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे तो मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि 2 से 3 महीनों का वक्त रह गया है। और आज जब शपथ ग्रहण होगा तो ये देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन शपथ लेते हैं, उनके साथ क्या मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को शपथ दिलाया जाएगा, या कुछ दिनों के बाद जो है कुछ लोगों को शामिल कराया जाएगा, कुछ हेमंत सोरेन के साथ कुछ चेहरों को जो है मंत्रिमंडल पद की जो है शपथ दिलाई जाएगी, और उसके बाद जो है कोई वक्त तय किया जाएगा। तो पहले तो ये खबर आ रही है कि हेमंत सोरेन 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेंगे, तीसरी बार मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ लेंगे। तो अब पूरी तैयारियां की जा रही है और राजभवन में थोड़ी ही देर में, देखिए अमूमन क्या होता है कि राजभवन जो है जो शपथ ग्रहण के लिए न्योता देता है तो उसकी जानकारी जो है एक दिन पहले हो जाती है या 5-6 घंटे पहले हो जाती है, लेकिन अभी अभी जो है जानकारी मीडिया को दी गई है कि राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह है, 2 घंटे बाद शपथ ग्रहण समारोह है। तो अब तैयारियां हो रही होंगी राजभवन में और हेमंत सोरेन जो है तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप देखने को मिला है, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। अगर जेएमएम की तरफ से सूचना दी जाती है उसमें तब्दीली बार बार होती है, तो आखिर वजह क्या है, ये कुछ घंटों में साफ हो जाएगा या कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। ठीक है दिवाकर, हमारे साथ बने हुए हैं संवाददाता विनाश भी। विनाश देखिए, मंत्रिमंडल में कांग्रेस के स्टेटस को लेकर के भी काफी दिनों से सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि आप जब मंत्रिमंडल जितने भी मंत्री जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं, क्या इसमें कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक हम कह सकते हैं, और हमारे ब्यूरो चीफ भी सही कह रहे थे कि जब शपथ ग्रहण के समय में तब्दीलियां हुई हैं, दिन में तारीख में तब्दीलियां हुई हैं, तो अब ये कहा जा रहा है कि अभी जो शपथ ग्रहण होगा 5 बजे, वो हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन ही शपथ लें। इसके बाद जो आप कांग्रेस की बात कर रही हैं, कांग्रेस के अभी अभी
डेढ़ बजे के करीब जो प्रभारी हैं, प्रदेश के प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो यहां से एक सूची लेकर जरूर दिल्ली रवाना हुए हैं। और इसी सोच के साथ, क्योंकि पहले से ये तय था कि 7 जुलाई को ही शपथ होना है और ये बातें कही गई कि 6 जुलाई की शाम तक जो है फाइनल हो जाएगा लिस्ट, लेकिन अब जो शपथ ग्रहण होगा तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है, और या फिर अभी जो पार्टी के नेता हैं वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है कि क्या अभी इतना जल्दी में कोई नाम तय हो जाए। इसलिए ये कहा जा रहा है कि ये जो अभी शपथ ग्रहण होना है इसमें हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे। दूसरी बात, जिन तब्दीलियों की बात आप कर रही हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बातें उठती रही हैं, जो रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया गया है उसमें एक मंत्री के बदले जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अब ये हो पाता है या नहीं हो पाता है ये देखने वाली बात होगी। 5 बजे का अब समय पर सबकी निगाहें टिक गई है कि 5 बजे जो शपथ ग्रहण होना है राजभवन में, हेमंत सोरेन शपथ लेंगे तो उनके साथ क्या एक दो भी मंत्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, ये अभी कुछ समय में ये स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल अविनाश, देखिए, और जब भी सूत्रों के हवाले से कुछ खबर सामने आती है तो उसका असर तब दिखने लग जाता है जब ग्राउंड पर भी उसकी तैयारियां जो है वो दिखने लग जाती है। तो आज ही शपथ लेने वाले हैं हेमंत सोरेन, तो क्या तैयारियां इसके लिए की जा रही हैं, किस तरीके से कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई है, इससे जुड़ी क्या जानकारी है? देखिए, अभी तो मैं ये कह सकता हूँ कि मीडिया के हवाले से ही जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको पता चल पाएगा, क्योंकि जब मैंने पहले कहा कि अब से कुछ मिनटों पहले, अगर हम इसी जिस गेट पर मैं खड़ा हूँ इसी गेट की अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य बाहर आए थे और उन्होंने कहा था कि 7 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। इसके बाद ये जो चेंजेस हुए हैं तो अब कार्यकर्ताओं को पता चलने में भी वक्त लगेगा, कुछ जरूर बात होगी, अंदर की बात जरूर होगी, क्योंकि एक चर्चा जरूर चल रही थी कि ये जो समय है 7 जुलाई थोड़ा ज्यादा का वक्त लगता है और टेक्निकली जो है जितना जल्दी हो वो मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेना चाहिए। तो अब ये देखना होगा कि जो शपथ ग्रहण का समारोह है 5 बजे राजभवन में, उसमें हेमंत सोरेन के साथ कोई और शपथ लेते हैं, चाहे वो जेएमएम के हों या कांग्रेस के हों या आरजेडी के हों, या फिर एकमात्र हेमंत सोरेन ही शपथ लेते हैं। बिल्कुल अविनाश, देखिए, और दोबारा से हेमंत सोरेन सीएम बनने जा रहे हैं, और जब चंपाई सोरेन ने इस्तीफा दिया तो उसको लेकर के भी बीजेपी ने तंज कसा, तो दोबारा से जल्दबाजी में जब वो दोबारा से हेमंत सोरेन जो है वो सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, तो क्या किसी प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आई है विपक्ष के नेताओं का? नहीं, देखिए, अभी तो नहीं आई है प्रतिक्रिया, और एक उसमें अपडेट और भी मैं कर दूं कि जब यहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य बात कर रहे थे उन्होंने एक और जानकारी दी थी, अविनाश बने रहिए, एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आ रही है, दर्शकों को जरा वो दिखा दें। देखिए, झारखंड में एक बार फिर से हेमंत सरकार बनने जा रही है और उसकी जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर राज्यपाल के साथ मुलाकात की तस्वीर हेमंत सोरेन की, और बता दें आपको कि आज एक बार फिर से बता दें चले आपको झारखंड में हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करने वाले हैं और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं हेमंत सोरेन। देखिए, यहाँ पर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और हेमंत सोरेन दिखाई दे रहे हैं। शाम 5 बजे का समय रखा गया है जब हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे मुख्यमंत्री पद का। बता दें आपको कि झारखंड में राजनीतिक हलचल तेज है। अविनाश जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं यही कह रहा था कि अभी थोड़ा सा वक्त भी लगेगा, और उस समय एक जो उन्होंने जानकारी दी थी सुप्रियो भट्टाचार्य ने, उस पर भी गौर करने की जरूरत है कि सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा था कि कल कार्यवाहक जो मुख्यमंत्री हैं, मतलब चंपई सोरेन के बारे में उन्होंने जानकारी दी थी कि जो रांची के प्रभात तारा मैदान में 1500+2 शिक्षकों का नियुक्ति पत्र बांटा जाना था, पहले जो वो कार्यक्रम स्थगित किया गया था, कल चंपई सोरेन बांटेंगे, उन्होंने यहां तक भी कहा था। अब सारी चीजें बदल गई हैं, आज मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन अब शपथ लेंगे, फिर देखना होगा कि कल क्या वो कार्यक्रम हो रहा है, अगर हो रहा है तब तो फिर हेमंत सोरेन के हाथों ही ये प्लस टू के जो शिक्षक हैं उनको 1500 जो नियुक्ति पत्र बटने हैं वो हेमंत सोरेन के हाथों ही नियुक्ति पत्र बटेंगे। तो अब जैसे जैसे जो नए अपडेट आ रहे हैं वैसे वैसे हम अपने दर्शकों को भी बता रहे हैं, चाहे वो 7 जुलाई का मामला हो या फिर आज शाम 5 बजे के शपथ ग्रहण का मामला हो, जो जानकारियां आ रही हैं हम बता रहे हैं। और हेमंत सोरेन सरकार के गठन को लेकर अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, 5 बजे का समय निर्धारित बताया जा रहा है राजभवन के बिरसा मंडप में। यानी कि अविनाश, आप ये कह रहे हैं कि जो कार्यक्रम स्थगित किए थे चंपाई सोरेन ने, वो कार्यक्रम में अब हेमंत सोरेन जैसे ही शपथ ग्रहण करते हैं मुख्यमंत्री पद के, उसके बाद फिर वो कार्यक्रम में जाएंगे।
देखिए इसके मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे पहले जो जानकारी दी गई थी कि कल चंपई सोरेन जाकर नियुक्ति पत्र बांटेंगे और 7 जुलाई की ये बात कही जा रही थी कि शपथ ग्रहण होगा, अब जबकि शपथ ग्रहण ही पहले हो गया है, आज ही शाम 5 बजे हो रहा है, तब तो निश्चित तौर पर या तो कार्यक्रम स्थगित होगा या फिर हेमंत सोरेन जाकर कल कार्यक्रम में वो 1500+2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। ठीक है, और अविनाश जरा ये भी बताइए कि क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बहुत सडन करना चाह रही है जेएमएम और ठीक तरीके से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया जा रहा है पार्टी की तरफ से, क्योंकि जब हेमंत सोरेन जो चंपाई सोरेन ने जब इस्तीफा दिया उससे पहले भी बहुत पहले ये चीज के बारे में नहीं पता था कि दोबारा से हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे, यानी कि दोबारा से एक बार एक तरीके से कहें कि नेतृत्व परिवर्तन होने वाला है। और देखिए आज भी यही हुआ कि पहले तो बोला गया 7 तारीख को लेंगे शपथ और आज ये कि 2 घंटे के बाद ही लेंगे। हाँ ये बात आप सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं जो है मिसकम्युनिकेशन गैप है, और या फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं वैसे वैसे ही जानकारी भी दी जा रही है। अगर 7 जुलाई को लेकर पहले तय हुआ उसके बाद अगर आज का ही ये शपथ ग्रहण है, 5 बजे का शपथ ग्रहण है, तो जरूर कहीं कुछ तब्दीलियां हुई होगी, इसी वजह से किया भी गया है और कुछ जानकारियां आई होगी, या फिर हेमंत सोरेन जैसा कि हमारे ब्यूरो चीफ भी बता रहे हैं कि लगातार हेमंत सोरेन पहले से ही चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो वो शपथ ग्रहण हो जाए। ये बात सही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, कल रात भी हम लगातार इस पर बने हुए थे, लेकिन 7 जुलाई की जो बात आई थी वो गठबंधन के अंदर से ही आई थी, गठबंधन के नेताओं ने ही बताई और इसकी पुष्टि भी हुई क्योंकि उन्होंने खुद ही मीडिया के सामने जो बयान दिए उसमें ये उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने ही ये जानकारी दी कि कैसे कैसे क्या होना है, फर्स्ट हाफ में होना है। लेकिन अब कहीं ना कहीं कुछ रणनीति में जो है बदलाव हुए हैं और 2 घंटे के बाद जो बातें कही जा रही थी, 5 बजे का जो समय निर्धारित किया गया है, 5 बजे यह शपथ ग्रहण होना है, तो ये देखना भी होगा कि आखिर ये अंदर खाने क्या कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसके बाद ये बदलाव करना पड़ा है। ठीक है दिवाकर जी, क्या आपके पास किसी प्रकार की जानकारी की तैयारियां अब की जाने लग रही हैं दोबारा से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? देखिए हेमंत सोरेन अब आएंगे, वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, इसमें तैयारियां पहले ही कर चुके होंगे क्योंकि उनकी बैठक सुबह से ही चल रही है और कल से एक्सरसाइज चल रहा है, और अब जो है राजभवन में बिरसा मंडप में पहले से ये शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम होता रहा है, राजभवन में रिसोर्सेज होते हैं तो सादे समारोह के तहत ही ये लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है मुख्यमंत्री के तौर पे हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण में शामिल होंगे, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, क्योंकि वक्त ज्यादा नहीं है, हो सकता है कि केवल हेमंत सोरेन ही पद एवं गोपनीयता की शपथ लें और उसके बाद जो है मंत्रिमंडल के सदस्यों को शपथ दिलाई जाए, तो अगर इतने कम वक्त में जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो एक सादे समारोह के तहत ही शपथ ग्रहण समारोह होगा और हेमंत सोरेन के पास अब वक्त नहीं है, 2 से 3 महीनों का वक्त है, उन्हें विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरना है और ये सरकार जो है अब उसी मोड में काम करेगी, विधानसभा चुनाव के नजरिए से ही सारे फैसले होंगे, कैबिनेट के जो फैसले होंगे। दिवाकर जी आपको रोकना चाहूंगी, अविनाश कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बड़ी खबर है अविनाश के पास, अविनाश बताइए। कह दिया है, देखिए मिथिलेश ठाकुर जो कि इससे पहले पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री रहे हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसकी पुष्टि कर दी है कि 5 बजे शपथ ग्रहण है और कौन लेगा ये नहीं जानते, कौन कौन लेगा ये नहीं जानते, लेकिन हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर अभी 5 बजे शपथ लेंगे, ये मिथिलेश ठाकुर ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में ये बातें कह दी है। ठीक है आप कंप्लीट कीजिए दिवाकर जी अपनी बात को। देखिए जब कम वक्त है और पहले से तैयारियां हो ही रही है जेएमएम की, हेमंत सोरेन की तैयारियां हो रही है, तो हेमंत सोरेन जाहिर सी बात है कि इसके लिए तैयार हैं और 2 घंटे बाद जब शपथ ग्रहण समारोह होगा तो देखने वाली बात होगी कि हेमंत सोरेन के साथ, क्योंकि कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है तो मंत्रिमंडल के सदस्यों को हेमंत सोरेन के साथ ही शपथ दिलाई जानी चाहिए या नहीं दिलाई जानी चाहिए, वो हेमंत सोरेन ने फैसले ले लिए हैं। और आप देखिए कि जब गवर्नर से मिलने गए हैं तो सभी नुमाइंदे मौजूद हैं, सभी पार्टियों के जो गठबंधन में शामिल हैं, कांग्रेस से राजेश ठाकुर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो शामिल हैं, विनोद सिंह शामिल हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन जो कल जब उनकी मुलाकात हो रही थी गवर्नर से तो वहां मौजूद नहीं थी, वो यहां मौजूद हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव में अपने कंधे पर जो है पार्टी और गठबंधन की जिम्मेदारी लेकर कैंपेन कर रही थी तो क्या उनकी भी कोई अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि आज की जो बैठक है उसमें गौर करने वाली बात है कि कल्पना सोरेन भी मौजूद हैं,
बिल्कुल आज की ये कहें तो खूबसूरत तस्वीर भी है कि कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन के साथ नजर आ रही हैं। और आज के लिए देखिए झारखंड की राजनीति का ये बहुत बड़ा दिन है कि आज ही शपथ ग्रहण करने वाले हेमंत सोरेन। ये बड़ी जानकारी बड़ी खबर इस वक्त की, आज शाम 5 बजे शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन दोबारा से झारखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, और इस खबर पर हम बने रहेंगे, हमारी नजरें बनी रहेगी। फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।